बिहार में इस वक्त सियासी पारा चढ़ चुका है। पहले चरण का जो मतदान होना था वो मतदान संपन्न हो चला है। अब दूसरे चरण की जो लड़ाई है उसके लिए नेता जो है वो जोर आजमाइश कर रहे हैं। प्रचार प्रसार जो है वो अपने उफान पर है। राष्ट्रीय नेता हों या फिर राज्य स्तर के नेता हों या फिर पंचायत स्तर के नेता हों, अपना अधिकतम समय वो फील्ड में, पंचायत में, गांव में, कस्बों में जनता के बीच बिता रहे हैं। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर के बोचहा सीट पर इस बार एनडीए की ओर से वीआईपी पार्टी ने मुसाफिर जी को टिकट दिया है। और इस वक्त हम मुसाफिर जी के घर पर मौजूद हैं। सुबह का वक्त है, कई सारे लोग जो हैं वो चुनाव का वक्त है तो अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं, मिलने आते हैं, अपने प्रत्याशी को जानने समझने, समस्याएं सुनाने के लिए आते हैं। देख सकते हैं सुबह का वक्त है और मुसाफिर जी अपने जो पशु हैं, गाय हैं, उनकी देखभाल के लिए आए हुए हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं। क्या लग रहा है सर इस बार, क्या हवा लग रहा है चुनाव में, क्या मिजाज है? सबसे बढ़िया हवा हमारा है, एकदम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। चुनावी मुद्दा क्या है बोचहा में, मुद्दा क्या है, परेशानी क्या है, क्या लग रहा है आपको? बोचहा में मुद्दा यही है कि जो भी लोग जीते हैं यहाँ से कुछ काम नहीं किए और न कुछ हुआ है उनसे। हम एक दफे जीते हैं तो 424 आदमी की नौकरी रखवाए हैं, 424 सेंट्रल नौकरी, और उसके बाद रोड जो पैसा मिला, रोड रूट का कोई भी हम कमीशन तमीशन नहीं लिए, सब उसी को दे दिए। इसी के बाद भी लोग कहता है कि जो बहुत अच्छा है। इस बार बोचहा जो है मुजफ्फरपुर का जो इलाका रहा है, कहा जाता है इसे स्वीट सिटी के नाम से भी कहा जाता है, शाही लीची की बात हो या फिर और भी स्वास्थ्य संबंधित कई भी जो भी परेशानियां थी, क्या लग रहा है कि जो मुजफ्फरपुर को मुजफ्फरपुर होना चाहिए था वो मुजफ्फरपुर बन पाया है अभी तक? अभी तक तो नहीं बन पड़ा है, मुजफ्फरपुर नहीं, पूरे ऑल इंडिया अभी तो बहुत कुछ कम हुआ है, बहुत बेसी होने वाला है। होता ऐसा होगा कि किसी भी नेता से नहीं होगा। आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे, देर रात तक घूमते हैं, क्या मिजाज लग रहा है, जनता से बतियाते भी हैं, पब्लिक के बीच जाते हैं? जनता में महसूस ही है, काम धंधा तो है नहीं, सबको देखते बेचारा सब बुगा रहा है, ऐसा कोई काम धंधा वाला है ना, घर में खर्ची नहीं है, क्या करेगा, इधर उधर बुगा रहा है, घूम रहा है। जैसे आपने कहा कि आप जब जीते थे तो आपने रोजगार दिलाने का काम किया, इस बार क्या लगता है आपको कि आपको अगर जनता भेजती है तो अब इस बार क्या प्लान रखे हैं कि अगर चार विभाग में हमारा यूनियन चलता है, FCI फूड कॉर्पोरेशन, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, चार विभाग में हम काम करवाते हैं, ठेकेदारी करते हैं, सभी लेबर को हम नौकरी दिलवाएंगे। जो कहाँ जहाँ है ता यूनियन सक्सेस हो गया, सभी आदमी को नौकरी दिलवाएगी, 424 के दिला चुके हैं, आपको आथर, बिंदा, रजवाड़ा, बोचहा, आपको ककरा चक, इधर नाजिरपुर, शेखपुर, गणेशपुर, बारा, जगन्नाथ, सभी आदमी आए, सभी को नौकरी दिए और बचिया उसको देंगे, हो जाएगा हमारा काम तो देंगे। तो मतलब सुबह सुबह का वक्त है सर, इधर आइए चलते हैं, अपना ये आप जानवरों का देखभाल एक बार जरूर करते हैं? हमारा जानवर आज से नहीं, जगरिया एक दूर जमीन हमारा घर पर नहीं था, हमारे बाबूजी सब दूसरे के जमीन में थे। अच्छा। हम बोरा ढो करके 110 किलो का बोरा ढो करके और दो नए पैसे बोरा कमा करके और दो नए पैसे बोरा कमा के हम लोग ये 400 में 1.5 बीघा जमीन लिए। मतलब कि आप भी मजदूरी करके आए हैं तो मजदूरों का दर्द बेहतर समझते हैं, बेहतर समझते हैं, मजदूर नेता भी हैं आप, जैसा आपने कहा जैसा क्षेत्र में आप, तो क्या लग रहा है मजदूरों की क्या समस्या है बोचहा में, बिहार में या फिर मुजफ्फरपुर में? जो 1947 में देश आजाद हुआ ना, ये अलुआ लोग खाता था, अलुआ में बहुत ताकत था। हम भाई लोग से पूछते थे कि भैया कितना कमा लो,
तो चार आदमी 16 कट्ठा बोड़वा में गए तो ताम क्या है, और उसके बाद 2.5 बीघा भी तामने जा रहे हैं चार आदमी, और बीघा कैसे तो 2.5 रुपये उसको लगा दीजिए सबको, तो एक एक कट्ठा भी नहीं तामेंगे, वो भी नहीं करेगा इसे। मतलब आजकल लोग जो है मेहनत मजदूरी करने में कम रुचि रखते हैं, रुझान हम लोग जो है ना 110 किलो के बोरा 14 खेप गिराते थे तब 8 आना पैसा मिलता था, मतलब मजदूरी उस समय करते थे, दूने पैसे बोरा मिलता था। क्या लग रहा है कि आज का जो परिवेश है उसमें मजदूरों का क्या हाल है, कहाँ देखते हैं? खत्म है, खत्म, कोई भी कुछ बदलाव, इतना शौक मोज है, हम लोग भगवा पहनते थे दूसरे को से लिया देते, अब 10 साल के लड़का इधर से इधर खोजते थे, आज इतने और के बच्चा के बाद में तरीका था 2500 के तक कम में हुआ भी ये कहाँ से पड़ेगा, ये समुचा को नौकरी दिलवाएंगे, इधर नौकरी दिलवाएंगे सबको, ये सब दारी तारी दारू पी के खा गया 1 लाख महीना FCI में। नानपुर माल गोदाम देखेंगे, नानपुर में जाइएगा 55,000 टन का गोदाम, ऑल इंडिया में गोदाम, ये गोवा नहीं गया, 27 राज्य में गए सभी जगह में नौकरी दी है। अच्छा, गोवा सिर्फ नहीं गए आप, बाकी सारे राज्यों में घूमे, 27 राज्य और सारे जगह पे लोगों को नौकरी दिलाने का काम किए हैं। तो इस बार आप अगर जीत के आते हैं तो फिर से वही व्यवस्था आप कायम करेंगे, यूनियन काम रहेगा ना, यूनियन सही रहेगा, लेबर सही रहेगा तो हम काम दे देंगे, क्योंकि जितना को 424 को यहाँ दिखाए ना तो कहता है कि 1 बजे लेट नहीं और 2 बजे भेट नहीं, 1 बजे लेट नहीं और 2 बजे भेट नहीं तो तुमको 2 घंटे का पैसा लग देगा, ऐसे करता है। मतलब इन सब बातों पर चलिए आप बेबाक होकर बोलते हैं कि 2 ही घंटा काम करना है जनाब और मजदूरी पूरी चाहिए, इस बार आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि बोचहा की जनता इस बार आपको अपना आशीर्वाद देगी? आपको बोचहा के जनता जो है ना मुकेश सहनी के साथ है, सब जुट लिया है, और मुकेश सहनी 4 पार्टी से ही लोग, एगो तो कराई छाप हुआ माझी, एगो तीर छाप हुए नीतीश कुमार, एगो वे लाई भाजपा फूल छाप, और हम हुए मछलिया नाव छाप। तो नाव छाप में जो है बोचहा से इस बार नाव पटना तक पहुंच पाएगा? कहिया पहुंच गया, अभी लेट इधर रह गया, पहुंच गया हूँ विधानसभा बैठा होगा, तो बस आपको अब आपको अब जाने की तैयारी करनी है। जी बस बस 10 तारीख पहुंच गया हूँ। तो बोचहा में विकास का नाव कहाँ पे है? विकास के नाव बोचहा में सब तरह है, थोड़ा मोड़ा तो है ही है, चल रहा है थोड़ा मोड़ा है। सबसे बड़ा जवाबदेही हमारे समाज का है, परिवार का, वो में आप भी हैं, हम भी हैं, सब है, इसको कहिया दूर होगा से भगवान जाने, समाज सबसे पहले है। समाज सबसे पहले। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि LJP NDA से अलग हो गया है, अलग चुनाव भी लड़ रहा है, लेकिन वो जदयू के खिलाफ ही लड़ रहा है, तो क्या लग रहा है कि परेशानी कुछ होगा क्या? राम विलास पासवान जी थे ना, तो 1969 में लड़ने गए थे, लालू और नीतीश सबसे बड़े राम विलास थे, तो 1969 में लड़े ना तो उनकी साइकिल 65 रुपये में बंधक पड़ गया था नॉमिनेशन में, समझ गए, और वो इतना बड़ा राजा हो गए, उसका बेटा के बोलने के लोगे नहीं, अरे तुमको 143 से कौन जरूरत, तुमको 45 को अगले दफे मिला तो 2 सीट जीता, तो 2 सीट बढ़ के कितना जाएगा, तो ये नहीं बोलता है, लालू के बेटा का नहीं किया मुकेश धरना चाहिए गोर धर लिया सो, वो किया काम किया कि मुकेश सोनी के देना है, मुकेश सोनी के देना देते देते नहीं बोला, बस सब नरेंद्र मोदी धर लिया, नरेंद्र मोदी हो गया मुख्यमंत्री, हो गया फेल गया। तो नरेंद्र मोदी जी का फायदा आपको मिलेगा? बहुत फायदा, हम लोग नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी का फायदा मिलेगा, तो इस बार लग रहा है आपको कि आप नाव आपकी पहले पहुंच चुकी है, अब आप फिर कैसे पहुंचेंगे? हम कार से जाएंगे, वो आगे पहुंच गया नहीं है ना। तो इस बार चुनाव में बोचहा की जनता का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ
मुसाफिर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार चुनाव में जो बोचहा की जनता है नाव में सवार करके इन्हें पटना पहुंचा चुकी है, बस औपचारिकता बाकी है और ये आने वाला जो परिणाम है वो बताएगा। लेकिन ये जो है इन्हें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से ये मजदूरों के लिए काम किया इन्होंने, जिस तरह से जनता के बीच रहे हैं, जनता के साथ रहे हैं, आने वाले चुनाव में जनता इनके पक्ष में मतदान करेगी।